सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज सिंह मशीन। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो नॉर्मल मशीन होता है पौधान स्टैंड सेट, उस मशीन को जैसे मैं स्टैंड सेट जो मशीन होता है उस मशीन को हैंडल सेट कैसे बनाएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ लगता है। सबसे पहले आप लोग को एक इंजन ले लेना है मशीन का, फिर उसके बाद एक हैंडल मिल ले लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से भी आप लोग खरीद सकते हैं। फिर एक नट ले लेना है, बेस कवर सेट ले लेना है। ये सब प्रोडक्ट का आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग बाय कर सकते हैं। फिर आपको कुछ ही इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हैंडल को सेट करना है मशीन में। कुछ ही इस तरीके से ये सेट हो जाता है। इस तरीके से अटैच करने के बाद आप लोग को इस नट को पूरा फुल टाइट कर लेना है। जो छोटी सी नट है ये वाला, इसे 10 नंबर रिंच की मदद से इसे पूरा फुल टाइट कर लेना है। उसके बाद पूरा फुल टाइट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को रिंच से 10 नंबर रिंच से 10-11 नंबर रिंच से आपको इसे पूरा फुल टाइट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपकी भी सिलाई मशीन में किसी भी दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। ऐसा प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग बाय कर सकते हैं। इसे तो पूरा फुल टाइट कर लेना, टाइट करने के बाद आप लोग को चला के देख लेना। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिटिंग हो चुका है। फिटिंग करने के बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग को बेस कवर में सेट कर लेना है। ये बहुत आसानी तरीके से सेट हो जाता है। बाकी यहाँ पर लॉक मिल जाता है, इस लॉक को कुछ इस प्रकार से आप लोग को लॉक कर लेना होता है। लॉक करने के बाद इसका एक ऊपर से आप चाहिएगा तो बेस कवर भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नीचे का बेस ले लीजिए, काम चल जाएगा। बेस कवर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। बेस कवर से क्या होता है कि मशीन आपका सेपरेट हो जाता है एकदम, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मशीन एकदम सेपरेट हो गया। आप इसको कहूँ भी रख सकते हैं, कहूँ भी ले जा सकते हैं। बेस कवर लगाने के लिए आप लोग को हैंडल को कुछ इस प्रकार से कर लेना होता है, फिल्टर बाय होता है, फिर कुछ इस प्रकार से आप लोग को बेस लग जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ लॉक मिल जाता है, बेस कवर में दोनों लॉक को लॉक कर लेना है। बहुत सही तरीके से लॉक हो जाता है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलता है और मिलते रहेगा। मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। आपकी भी सिलाई मशीन में किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। उस पर भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो बना के हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करें। ऐसा सब जितना भी प्रोडक्ट इसमें यूज किया गया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग बाय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।